नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, तो मतलब किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा अच्छी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी मतलब उसके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स अच्छे हो गए। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पायरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एसेट्रा। ठीक है, तो लोगों को सिर्फ मतलब मनी ही नहीं चाहिए, एक रिस्पेक्ट भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्रीडम, वो सब चाहिए इन माइंड। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। तो अगर हमें कंट्री की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एवरेज इनकम ही सफिशिएंट है, बाकी भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट, ठीक है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल कैसा है, हैप्पीनेस कैसा है, क्या लोग सब डिप्रेशन में है, तो ये सब क्राइटेरिया लिए जाते हैं। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। ठीक है, टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे तीन स्टेट्स है इंडिया के, हरियाणा, केरला और बिहार, तीनों की पर कैपिटा इनकम दी है फॉर 2015-16। ठीक है, तो पर पर्सन इनकम है 1,62,034 रुपीज़। ठीक है, तो ये 12 मंथ की इनकम है। ठीक, उसी तरह केरला की दी है और बिहार की दी हुई, फिर उसका कंपैरिजन है। एक्चुअली दिस फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस फॉर 2015-16। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एग्जैक्टली मीन्स, रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो इसको हम पर कैपिटा इनकम ही ले रहे हैं। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, मतलब पर पर्सन हरियाणा में इनकम ज़्यादा है, हर एक पर्सन ज़्यादा अर्न कर रहा है और बिहार में उतना ही कम अर्न कर रहा है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज 1,62,034 इन वन ईयर, वेर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड रुपीज 34,168। सो इफ पर कैपिटा इनकम वेर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप एंड बिहार द लीस्ट डेवलप स्टेट ऑफ द थ्री। इफ अगर एवरेज इनकम से हम देखें, पर कैपिटा इनकम से, तो हरियाणा मोस्ट डेवलप है और बिहार लीस्ट डेवलप है। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दिस स्टेट्स गिवन इन टेबल। तो इसी स्टेट्स के लिए कुछ और भी क्राइटेरिया है, तो इसके ऊपर ये हो गए, तो वो देख लेते हैं। टेबल 1.4 सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, तो स्टेट्स फर्स्ट हरियाणा, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि अगर कोई बच्चा, नया बच्चा, जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर वो एक साल के अंदर मर जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो पर 1000 लाइव बर्थ, तो अगर 1000 बच्चे हुए तो कितने बच्चे उसमें से मर गए, तो ठीक है, तो यहाँ पे 36 है हरियाणा में, केरला में 12 है और बिहार में 42 है। ठीक है, पर 1000 बच्चे पैदा होता है उसमें से हर, मतलब बच्चा एक साल का हो तब तक इतने बच्चे मर जाते हैं, मतलब एक साल से कम जीते हैं जो बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं 1000, तो उसमें से 36 है वो पहले एक साल में ही मर जाते हैं, और बाकी के जो 964 है तो वो रहते हैं। फिर दूसरा है लिटरेसी रेट, तो 2011 में कितना रहा, तो हरियाणा का 82%, केरला का 94% और बिहार का 62%। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2013-14। तो अटेंडेंस रेशियो मतलब कि कितने बच्चे हैं स्टेट में और उसमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं सेकेंडरी स्टेज पे। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में कितने परसेंट है, तो हरियाणा में 61% स्टूडेंट स्कूल अटेंड करते हैं, केरला में 83 और बिहार में 43, वो कम। सोर्सेज इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, तो ये सब, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है टर्म्स का। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर एज अ प्रपोजन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर। तो 1000 लाइव चिल्ड्रन प्रोड्यूस, उसमें से जितने डाई हो जाते हैं
एक ईयर की है जो मतलब जिनका कहते हैं ना कि लाइफ एक ईयर से कम होता है तो वो बच्चे उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। सेकंड है लिटरेसी रेट, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ठीक है, तो मतलब लिटरेसी कितना है, मतलब कोई पर्सन है तो मतलब वो एक पर्टिकुलर वन लैंग्वेज एटलीस्ट बोल पाता है, समझ पाता है, लिख पाता है, तो उसको पर्सन को लिटरेट कहा जाता है। तो 7 और अबव के एज ग्रुप में वो लिटरेसी रेट होता है मेजर। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो 14 और 15 ईयर्स तो वो सेकेंडरी में होते हैं, 9 और 10 स्टैंडर्ड में, तो मतलब कितने बच्चे हैं और उसमें से कितने अटेंड कर रहे हैं, तो वो जो परसेंटेज है उसको नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे 83 है, मतलब 100 स्टूडेंट्स है, 100 बच्चे है स्टेट में, उसमें से 83 बच्चे सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद है व्हाट डज दिस टेबल शो, तो ये जो टेबल है तो वो क्या शो कर रहा है उसके ऊपर है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, बट इन हरियाणा द प्रपोजन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 36। तो हरियाणा में 36 बच्चे मर जाते जबकि केरला में सिर्फ 12 ही है। ठीक है, विच इज 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला, तो वो केरला से बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला एज शोन इन टेबल। तो हरियाणा की इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जो बच्चे बॉर्न होते हैं उसमें से ज़्यादा मर जाते हैं कंपेयर टू हरियाणा। इनकम ज़्यादा है फिर भी, जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो बहुत फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होते हैं। नाउ टू ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो अगर कोई बच्चे का अगर 1 ईयर कम्प्लीट हो यानी कि फर्स्ट बर्थडे है उससे पहले अगर वो मर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को कितना मतलब कितना ग्रीव होता होगा, वो कितने सैड हो जाते होंगे उस चीज़ से, कितना पेनफुल होता होगा, हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट। ठीक है, तो कितना पेरेंट्स होगा। नेक्स्ट, नॉट द ईयर टू विच दिस डेटा पर्टेंस, इट इज 2015। तो ये 2015 का है, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। तो अभी ये रिसेंट टाइम्स का ही है, मतलब 3-4 साल पहले का। इट इज़ नियरली 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल। ठीक है, तो ये अभी हमारा इंडिपेंडेंस मिले 70 ईयर्स हो गए, हमारे मेट्रो सिटीज में हाई राइज बिल्डिंग्स है, ठीक है, शॉपिंग मॉल है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हो रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। तो बिहार में से 43% है, सिर्फ 43 स्टूडेंट्स ही स्कूल अटेंड कर रहे हैं आफ्टर क्लास 8। ठीक है, तो मतलब वो बाकी के जो 57 है वो स्कूल छोड़ देते हैं, वो आगे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। तो अगर आप अभी बिहार में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो सपोज आपके क्लास में मतलब 50 स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग में, तो जब 9th स्टैंडर्ड में आते तो तब तक वो आई थिंक कितना हो जाता है 21 स्टूडेंट हो जाते, तो बाकी के चले जाते स्कूल को लैप कर देते। ठीक है, तो मतलब बच्चे स्कूल को छोड़ देते, मतलब उनका एजुकेशन नहीं हो रहा ठीक से, तो वो अच्छी बात नहीं है। दोस्त वो कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, तो जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए इस एज में तो वो नहीं है। इफ दिस हैड हैपन टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ। अगर आप ही उन बच्चों में से होते हैं जो मतलब स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं इसके आगे, तो आप अभी जो ये बुक रीड कर रहे हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप शायद ना पढ़ रहे होते। मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर, को बहुत सारे बेबी से उनको बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है, कुछ स्टेट में अच्छा है कुछ स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक इनकम ही नहीं है जो मेजर हो, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग।